नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद रेनू बाला। आज हम चने भटूरे बनाने जा रहे हैं। सबसे पहले हम चने बना रहे हैं, उसके लिए मैंने क्या किया, 250 ग्राम 250 ग्राम चने लेकर और 50 ग्राम चने की दाल लेकर अच्छी तरह धो लिया। धो के 6-7 घंटों के लिए उसे पानी में 2 गिलास पानी में धो दिया। भिगोने के बाद उसी पानी में जिसमें हमने धोकर चने भिगोए थे, आधा चम्मच साल्ट यानी कि नमक डालकर उसे आधा मिनट सिम आंच पर उबाल लिया और रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने दिया, उसका प्रेशर नहीं निकाला। ये हमारे चने उबल कर तैयार है। हम अब इसका मसाला बनाएंगे। मसाले के लिए चने कई प्रकार के रहती है, पिंडी चना, चना मसाला, मसाले चने। आज मैं आपको मसाला चना बनाने सिखा रही हूँ। उसके लिए हमें जो ड्राई इंग्रेडिएंट चाहिए चने मसाले के लिए, ये मैंने लिया है 1/2 टेबल स्पून अनारदाना, 1/2 टेबल स्पून साबुत धनिया, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर, जीरा साबुत जीरा, 1 मोटी इलायची, 2 लौंग और 1 दालचीनी। बस ये पहले हम सभी मसाले तवे पर रोस्ट करेंगे यानी कि भूनेंगे तवे पर। इसमें हम बाजार का मसाला नहीं बरतेंगे, प्रयोग करेंगे जो कि चना मसाला आता है। मैं आपको घर में ही चने के लिए मसाला बनाना सिखा रही हूँ। हमने जो हमारे सूखे मसाले थे तवे पर भून लिए, हम अब इसे पीसेंगे। मसाले हमने तवे पर पीसे भुने थे, हम अब उसे बारीक बारीक पीस कर इस छलनी से छान लेंगे। जो तवे पर हमने सूखे मसाले भुने थे वह पीस कर हमने छान कर तैयार कर लिए हैं। अब हम इसका दूसरा मसाला बना रहे हैं, क्योंकि हमारे चनों का नाम ही चना मसाला है। इसमें मैंने 2.5 यानी कि 2.5 टेबल स्पून, 2 और आधा टेबल स्पून मैंने क्या लिया है, कुकिंग ऑयल। अब हम इसमें मिलाएंगे, 2 मैंने मीडियम साइज के प्याज लेंथ वाइज काटे हैं, देख लिया आप इतने प्याज मैंने काटे हैं। इसे हम गोल्डन ब्राउन होने तक भूनेंगे। जो अनियन लिए थे हमने 2 मीडियम साइज के, वो 2.5 टेबल स्पून ऑयल में हमने गोल्डन होने तक हमें उसे कुक कर रहे हैं। उसके बाद ये टमाटोज है 2, ये भी मीडियम साइज के, 2 टमाटर है जो भी लेंथ वाइज मैंने काटे हैं। ये कुछ जिंजर स्लाइस अदरक की लंबी काटी हुई फांके हैं, ये हरी मिर्च की फांके हैं, ये आधा टीस्पून मेरे पास गरम मसाला है, ये आधा टीस्पून मेरे पास अमचूर पाउडर है, और जो ये है रेड चिली सूखे मसाले जो हमने तैयार किए थे। इतना सामान हमें इस मसाला भूनने के लिए चाहिए, और थोड़ा आधा टीस्पून चाहिए नमक। इस जो कि हम जो इंग्रेडिएंट मिलाएंगे प्याज टमाटर, इस मसाले के लिए भी हमें नमक की ज़रूरत होगी। जो हमने चनों में मिलाया था वो नमक आधा टीस्पून, वो तो चनों का नमक था। अब जो हमारे प्याज हैं वो गोल्डन हो गए हैं, आप देख लें अच्छी तरह कैसे गोल्डन करने हैं। उसके बाद हम इसमें मिलाएंगे टमाटर। हमने प्याज को मचाना नहीं होता, ऐसा नहीं होता कि ये बिल्कुल काले हो जाएं, उससे सब्जी का जो टेस्ट है वो ख़राब हो जाता है। हम टमाटरों को ऑयल सेपरेट होने तक भूनेंगे, कुक करेंगे,
जब तक कि जो तेल है हमारा अलग नहीं हो जाता। देखिए जो हमारा ऑयल है वो सेपरेट होना शुरू हो गया है, आप अच्छी तरह देख लें। अब हम इसमें 1/2 टीस्पून रेड चिल्ली पाउडर मिलाएंगे, आप कम या ज़्यादा भी मिला सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। 1-2 मिनट कुक करेंगे रेड चिल्ली पाउडर मिलाने के बाद। अब हम इसमें मिलाएंगे 1/4 टीस्पून गरम मसाला, जो बिना धनिए के बिना धनिए वाला है, मैंने घर बनाया हुआ है बिना धनिए का, वो मिला दिया। अब हम इसमें मिलाएंगे, इसे भी कुक करेंगे 1 मिनट के लिए, अमचूर पाउडर 1/2 टीस्पून। अब हम इसमें मिलाएंगे जिंजर स्लाइसेस, जो आंच है मैंने सारा मसाला भूनते समय वो मीडियम से थोड़ी कम ही रखी थी, यानी के कम आंच पर मैंने सारा मसाला भूना है। अब हम इसमें मिलाएंगे ग्रीन चिल्ली, जो लेंथ वाइज कटी हुई है, ये भी आप अपने टेस्ट के मुताबिक 1 से लेकर 2 तक मिला सकते हैं इतने चनों में। अब हम इसमें मिलाएंगे 1/2 टीस्पून साल्ट, साल्ट सबसे अंत में मिलाएंगे। इसमें मिला रहे हैं जो हमने सूखे मसाले भूने थे, भून कर पीसे थे, और अब हम इसे बिल्कुल मंद आंच पर 5 मिनट के लिए भूनेंगे, और तब तक इसका जो ऑयल है बिल्कुल सेपरेट हो जाएगा। देखिए जो हमने मसाला कुक किया था उसका ऑयल सेपरेट होना शुरू हो गया है, बिल्कुल सेपरेट हो गया है, आप अच्छी तरह देख लें। इसका मतलब है कि जो हमारा मसाला है वो रेडी है। अब जो हमने उबाल कर चने रखे थे चना दाल के साथ, उसमें हम इसे ऐड करेंगे। अब हमने जो हमारे मसाला तैयार किया था वो चनों में मिक्स कर दिया है, और अब हम इसे मीडियम फायर पर मीडियम आंच पर कुक करेंगे, ताकि सभी मसालों का जो टेस्ट है वो फ्लेवर है वो चनों में अच्छी तरह से आ जाए। ये चने इतने लाजवाब टेस्टी बनते हैं, इसे कुक होने पर ये थोड़े से और थिक हो जाएंगे। ये मैंने मीडियम आंच पर रख दिए हैं। जो हमारे चने हैं जो हमने ढककर ऑयल सेपरेट होने तक रखे थे मीडियम फायर पे आंच पे, वो हमारे बनकर ऐसे तैयार हैं, आप देख ले कैसे तैयार हुए हैं। अब हम इसकी गार्निशिंग करेंगे, देखिए गार्निशिंग कैसे करनी है। ये मैंने धनिया के पत्ते काट कर रखे हैं, बारीक बारीक हरे धनिए के, ये मैंने लिया है घर का पनीर बनाया हुआ कॉटेज पनीर, और इसे कद्दूकस कर लिया है। ग्रेट कर लिया, ग्रेटेड पनीर है ये। ये भी पनीर है, इसमें मैंने हल्दी पाउडर ऐड कर लिया था, ताकि हमारी जो गार्निशिंग है वो
अच्छी दिखाई दे। ये है हमारे अनियन रिंग्स प्याज के कटे हुए स्लाइसेस। क्योंकि भटूरे चनों के साथ जो प्याज है उसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। ये हमने लंबी हरी मिर्च के पीस काट लिए हैं। अब हमारे चने खाने के लिए बिल्कुल रेडी है और हमने इसकी गार्निशिंग भी कर दी है। ये लकड़ी का मैंने इसलिए नीचे रखा था क्योंकि मैंने गरम गरम जो चने हैं कांच के बाउल में डाले थे कि कहीं जो क्रैक ना हो जाए, इसलिए मैंने लकड़ी का जो पीस था इसके नीचे रखा था। आप अब देखिए आपको कैसे लग रही है, आप टेस्ट कीजिए, बनाइए घर में और बनाकर देखिए, मेरे कमेंट बॉक्स में डालिए कि आपको चने कैसे लगे। प्लीज़ थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट।